Class today we have to read about the radiation. Because of yesterday we have to complete our topic convection and conduction, and rather than the next or the last topic of this chapter is radiation. Radiation is generally occur in the gases or solar energy. Just like have you ever wondered how the sun makes you warm? हम सभी वंडर रहते हैं कि सन हमें किस तरीके से क्या करता है, वॉर्म करता है, कैसे हमें सन की जो लाइट होती है वो मिलती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर जो है वो वॉर्म हो जाता है. द एनर्जी ऑफ द सन रीचेस अस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. आपके पास जो सन की एनर्जी आती है, यानी जो सन की लाइट आती है, दिस लाइट इज कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. यानी हमारे पास जो एनर्जी आई वो किस फॉर्म में आ गई, वेव्स के फॉर्म में आ गई. दीज वेव्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ऑल मैटर्स. ये आपकी जो वेव्स होती है वो जितने भी मैटर्स होते हैं, और द मैटर्स कैन एब्जॉर्ब दिस वेव्स. द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफर्ड बाय अ टाइप ऑफ वेव्स कॉल्ड हीट कॉल्ड इंफ्रा रेड रेज वेव्स. आपके पास जो एनर्जी सन की एनर्जी जो वेव्स के फॉर्म में आती है, दैट एनर्जी इज कम्स टू अस इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेड वेव्स. यानी हमारे पास जो एनर्जी आई वो किस फॉर्म में आ गई, इंफ्रा रेड वेव्स के फॉर्म में आ गई. ठीक है. सो व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्ब्स इंफ्रा रेड वेव्स इट हीट्स अप. यानी आपके पास जो बॉडी आई वो क्या किस फॉर्म में आ गई, हीट. आपके पास जो इंफ्रा रेड वेव्स आई, जो भी बॉडी ने उस एब्जॉर्ब किया उस वेव्स को, वो आपको क्या कर देती है, हीट कर देती है. दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ रेडिएशन. इस तरीके की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन एनर्जी बोलते हैं. मीन्स द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ अ वेव्स. वो एनर्जी या वो हीट जिसको आप वेव्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम वेव्स के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज नोन एज रेडिएशन. उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं. अनलाइक कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन डज नॉट नीड अ सब्सटेंस और अ पार्टिकल टू ट्रांसफर एनर्जी. क्या कहते हैं कि कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है, किसी भी सब्सटेंस की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. मीन्स जैसे आपकी कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता था, कन्वेक्शन जो है वो गैसेस में होता था, या फिर आपका लिक्विड्स में होता था, तो इन सभी में किसी ना किसी पार्टिकल्स की हमको क्या होती थी, जरूरत होती थी. बट क्या कहते हैं कि इसमें आपको किसी भी सब्सटेंस या किसी भी पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है. रेडिएशन कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. रेडिएशन जो है वो आपका कहाँ ट्रेवल करता है, वैक्यूम में ट्रेवल करता है. मीन्स रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, रेडिएशन आपका एक एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है. वैक्यूम, हियर अ मीनिंग ऑफ अ वैक्यूम. यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स होता है ब्लैंक स्पेस. वैक्यूम वो स्पेस है जहाँ पर ना तो एयर होती है और ना ही कोई एटमॉस्फेयर होता है. इन अदर वर्ड्स कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नीड अ मीडियम. अदर वर्ड्स में देखें तो कंडक्शन और कन्वेक्शन को एक मीडियम की जरूरत होती है टू ट्रांसफर हीट, बट रेडिएशन डज नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल. लेकिन रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. नाउ हीट सॉलिड लिक्विड गैस एंड वैक्यूम. तो सॉलिड्स में आपका कंडक्शन होता है, लिक्विड और गैस में आपका कन्वेक्शन होता है, और वैक्यूम में आपका रेडिएशन कंप्लीट होता है. अंडरस्टैंड that the sun is not the only body to give out heat energy. Means sun ही केवल एक ऐसा source नहीं है जिससे हमें energy मिलती, because of sun is a natural source of light, but there are another forms, कुछ और भी bodies हैं जिनसे कि हमको क्या मिलती है, energies मिलती है. All hot bodies gives out infrared radiations. जितनी भी hot bodies होती हैं वो सभी आपको क्या देती हैं, infrared radiations देती हैं. ठीक है. Now next, रेडिएशन इन आवर डेली लाइफ. आपकी डेली लाइफ में रेडिएशन किस तरीके से होता है, हाउ डज इट अकर्स इन योर डेली लाइफ. आपके डेली लाइफ में रेडिएशन कैसे अकर होता है, तो नंबर वन, वी गेट हीट फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन. हमें सन से जो हीट मिलती है वो रेडिएशन के फॉर्म में मिलती है. यानी जो आपको हीट मिली वो किसके फॉर्म में मिली, इंफ्रारेड रेडिएशन जो सन से हमें मिल रही थी वो हीट के फॉर्म में मिली. द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड हीट अप. आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट अप करने का कॉल करता है. दिस जनरेट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट. वो आपको किसको जनरेट करके देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग को जनरेट करता है. एंड इट कीप्स द अर्थ वार्म, जिससे कि आपकी जो अर्थ होती है वो वार्म रहती है, गर्म रहती है. सोलर हीटर्स एंड सोलर कुकर्स एब्जॉर्ब
इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ द सन टू हीट द सब्सटेंसेस. आपके सोलर हीटर्स होते हैं, सोलर कुकर्स होते हैं, जो कि इंफ्रारेड यानी सन से आने वाली हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद उसमें जो सोलर हीटर्स या कुकर्स में जो भी आप वो रेटल में जो भी चीज़ें रखते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हीट सब्सटेंसेस को गर्म कर देते हैं. सर्फेसिस ऑफ रूम हीटर्स आर सिल्वर एंड शाइनी. जो आपके सर्फेसिस होते हैं रूम हीटर्स के वो सिल्वर कलर के होते हैं या शाइनी होते हैं टू रिफ्लेक्ट द मोस्ट हीट टू द एयर. जिससे कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है, जो शाइनी सरफेस होता है, वो हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने का काम होता है. वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर. हम लोग क्या कहते हैं कि विंटर सीजन में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं और बिकॉज ऑफ इट एब्जॉर्ब्स अ मैक्सिमम हीट. क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं. वो बहुत कम क्वांटिटी में हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ वी हैव टू